कराने वाले हैं आप? मगहिया के रैनिया। आपके मगहिया गोपालगंज जिला पड़ता है। हाँ। पति कहाँ रहते हैं? ओमान रहते हैं। ओमान कितनों साल से? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप उस जो प्रेमी है आपका, कैसे उसके चंगुल में आप आ गए? वो हमारे घर आता जाता रहता था। किस लिए? एक काम वम करता था खेती बाड़ी में। तो कैसे लव हो गया, प्यार हो गया? वो हमारा नंबर ले लिया, मांग लिया, बोल रहा है कि दूसरे दूसरे के तुम भेजते हो, अपना नंबर दे दो, जब काम पड़ेगा तो फोन करके बुलाना। हम उसका नंबर ले लिया। तो ऐसे ही करते करते हमारे साथ बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड मारता पीटता है, तुम हमारे साथ चल चलो। हमने बोला कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद तो उसके घर से खाना पीना आने लगा, हमारा घर से भी जाने लगा। वो खाने में कुछ कार्रवाई करके हमको दे दिया था, दवा कराने के लिए लेके गया था, वहीं से लेके भाग गया हमको कुछ खिला के। को हमको समझ में नहीं आया। कई बार मिले हैं उससे? मिले या नहीं, वो लेके हमको चले गया डायरेक्ट। अभी आपके पेट में बच्चा है ना? कितना महीना? 4 महीना। आपको पति का पता है इसके बारे में? हाँ। क्या बोलते हैं आपके पति? वो बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे। हम नहीं रखेंगे तुमको। नहीं रखेंगे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई? आखिर में बोला कि आपके पति आपको मारते पीटते हैं। सही में आपके पति आपको मारते पीटते थे? हाँ, मारते हैं। आप तो पंडित जी हैं। वो कौन कौन कास्ट है? मंडल है। मंडल यानी हरजन जाति से आता है। तो आपको कैसे ये हो लगेगा कि भाई पंडित जी एक हरजन से संबंध बनाएंगे? अब लोग जाति थोड़ी देखते हैं। तो आपको नहीं लगा कि समाज के लोग आप पे थूकेंगे, आपके कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपके पति जान जाएंगे तो आपको नहीं रखेंगे, तो आप एक बच्चा लेकर कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं जाएंगे, वही नगर में जाएंगे। फिर उसी घर में जाइएगा? जाएंगे उसके घर में। उसका शादी हुआ है? ना ना हुआ है। अच्छा, उसके घर अभी नहीं गई हैं? कितना दिनों से भटक रही हैं? नहीं गए उसके घर। बोल रहा है कि हमारे घर आएगा तो काट देंगे। बोले ठीक है, पैसा भी दिलवाए हैं किसी को, तुमको खोज रहा है, देखिए कभी ना कभी तुमको गोली मार देंगे। गोली मारने के लिए धमकी दे रहा है? तो आप इधर उधर भटक रही हैं? नहीं भटक कर रहे, उसके मामा के घर पे हैं। वो अपने मामा के घर पे रखा है हमको। अच्छा, आप केस उसकी हैं कहीं से? मान लीजिए वो नहीं रख रहा है, आपके पेट में बच्चा है, आपके पति आपको छोड़ ही दिए हैं, तो आप केस किए हैं कि हम उसी पर रहेंगे? नहीं, उस पर रहने के लिए नहीं किए, हम उसको साजा दिलवाने के लिए किए। हमारा गहना पैसा लेके गया है, उसके लिए किए हैं। गहना पैसा भी ठग लिया है? हाँ। क्या क्या लिया है? 5 थन गहना लिया है, 15,000 रुपया लिया है। कैसे आप गहना दे दिए लोग? तो हमारा गहना बैगे लेके भाग गया था। सामने से भागता तब ना, छुप के भागा है तो हम कैसे पकड़ता? चोर लुहेड़ा है का मतलब चोर? हाँ, वो 3-4 लड़की के साथ किया, अपना बहन के साथ ऐसा ही किया था, लेके भागा था फिर छोड़ दिया था। अब दूसरे वीडियो में बोल रही हैं कि वैसा ही उसका धंधा है। हाँ, अपने बहन के साथ किया था ऐसा, ऐसा ही बहन के साथ। हाँ, अपने बहन के साथ किया था, छोड़ दिया था उसको, फिर भी पैसा वैसा देख छोड़ देते। वो लड़की की जल्दी जल्दी शादी करके हटाया था। तो आप शादीशुदा हैं, आपको नहीं लगा कि भाई पति आएंगे तो फिर सही रहेगा? तो आप गलत ना, ये बोला था कि चल हम रखेंगे तुमको, फिर भी ऐसा ही करके अब हम बोल रहा है। बाद में बोला था कि हमारा मम्मी बोला है कि उसका घर उजारना जरूरी है, आपका घर उजारना वो चाहता है। हाँ, तो इसीलिए तुमको लेके आए हैं, तुम्हारा घर उजारने के लिए, तुमको मगैया में रहने नहीं देंगे। बोले ठीक है, जब हमारा आदमी आएगा तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। तो फिर आप क्या चाह रही हैं? आप चाह रहे हैं कि वो लड़का के थोड़ा आप लोग इंसाफ दिलवाइए। अभी वो लड़का कहाँ है? अभी भाग रहा है, पता ना कहाँ पे है। केस उस नहीं किए हैं आप? केस किए हैं कोर्ट में। कोर्ट में केस हुआ है? हाँ। तो अगर वो लड़का आपको रख लेता है तो केस वापस रहेगा? ना, हम रहे नहीं करेंगे उस पर, नहीं रहिएगा। तो मान लीजिए जब नहीं रहिएगा तो पति भी छोड़ दिए हैं, तो बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा? जिसका पति छोड़ देता है वो अपना हाथ पैर चला काम नहीं करती है। मान लीजिए कितना कमाइएगा? मान लीजिए पढ़ाना लिखाना है, ऐसे और बच्चा होने वाला है, कर लेंगे हम। तो आप मतलब चाहती हैं कि उसके सजा मिले बस, आप उसके साथ रहना नहीं चाहती हैं? कहाँ घर हुआ आपका, कौन सा थाना है? कटिया थाना। कटिया थाना, घर कहाँ हुआ? मगाइया। पति का नाम है? आनंदगिरी। आनंदगिरी,
ये कटिया के रहने वाली महिला हैं और इनके पति विदेश हैं, कितने साल से? 2 साल से। और इनको प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं, एक मंडल जी के प्रेम प्रसंग में इनसे प्यार हो जाता है और फिलहाल इनको प्रेग्नेंट करके वो जो प्रेमी है वो फरार हो गया है। और इनको देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा लेके दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनको भी कहीं से इनको मदद मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाया जाए, इनको मदद मिले। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।